एक नदी के किनारे दो पेड़ लगे हुए थे। उस रास्ते से एक चिड़िया गुजरी और उसने पहले पेड़ से पूछा, बारिश होने वाला है, क्या मैं और मेरे बच्चे तुम्हारी टहनी में घोंसला बनाकर रह सकते हैं? लेकिन उस पेड़ ने मना कर दिया। चिड़िया दूसरे पेड़ के पास गई और वही सवाल पूछा तो दूसरा पेड़ मान गया। चिड़िया दूसरे पेड़ की टहनी में घोंसला बनाकर खुशी से रहने लगी। एक दिन बहुत तेज बरसात होने लगी और पहला पेड़ जड़ से उखड़कर बहने लगा। जब चिड़िया ने उस पेड़ को पानी में बहता देखा तो कहा, जब मैं और मेरे बच्चे तुम्हारी शरण में रहने के लिए आए थे तब तुमने मन कर दिया था, अब देखो तुम्हें तुम्हारे उसी रूखे बर्ताव की सजा मिल रही है। पेड़ ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं जानता था कि मेरी जड़ें कमजोर हैं और मैं इस बारिश में टिक नहीं पाऊंगा। मैं तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था, मना करने के लिए मुझे क्षमा कर दो। और ये कहते कहते पेड़ पानी में बह गया। निष्कर्ष, किसी के अहंकार को उसकी कठोरता न समझें। क्या पता उसके इसी अहंकार से आपका भला हो। कौन किस परिस्थिति में है शायद हम नहीं जानते, इसलिए किसी के चरित्र और शैली को उसके वर्तमान से न तौलें।